नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के सपा नेता व सहर दक्षिणी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद। आइए जानते हैं कोरोना कहर के चलते हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने उद्योग जगत को शर्तों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने का आदेश दिया है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? जहां तक सहमत की बात है, सरकार ने जो लॉकडाउन किया कोई तैयारी नहीं किया, उसी तरह लॉकडाउन की घोषणा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सरकार का सहयोग करते हैं क्योंकि मारामारी इतनी शहर के अंदर बढ़ गई थी कि लॉकडाउन करना जरूरी था। उसके बावजूद जो भी यहाँ मजदूर थे, फंसे हुए थे, हम लोगों ने उनका सम्मान किया, उनको एक भी चीज़ों की दिक्कत नहीं होने दिया। सबसे पहली चीज़, हमारे पास 8 से 9 साल से कारीगर मजदूर रहते थे, वो हमारे भगवान होते हैं, वो काम करते हैं तो हम खाते हैं, हम अपने हाथ से ना पलस्तर करते हैं ना ही ईटा जोड़ते हैं। जब वो काम करते तो मेरे पास पैसा आता है, तो हमारे लिए वो भगवान है, वो काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। साजिद जी, आप रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए हैं, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में रोज कमाने रोज खाने वाले कारीगरों के सामने काफी गंभीर समस्या हुई थी, आपने उनकी कहां तक मदद किया है? जहां तक मदद की बात है, हम लोग क्या किसी की मदद करेंगे, जो हमसे हुआ हमने किया और जो लोग भी आए हमारे दरवाजे पे हमने उनका सहयोग किया, और वो लोग जहाँ जहाँ जाके कहें वो लोग भी मेरे पास आए, हम लोगों ने उनका सहयोग किया। दूसरी चीज़, आज सरकार की जो योजना है, जो भी कहने में कि नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, उसके अलावा योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, बहुत सी योजना का कहने में कि उन्होंने घोषणा की, लेकिन हम लोगों के इलाके में कोई भी घोषणा का पालन नहीं हुआ, कोई भी एक नेता हमारे शहर में या हमारे गली में नहीं आया। तो हम लोगों के जो भी मोहल्ले में लोग हैं, यहाँ के लोग बड़े बुजुर्ग मिलके हम लोग सबका सहयोग किया, जिस घर में कहने में कि राशन नहीं था, हम लोगों ने पूरा मोहल्ला मिलके राशन पहुँचाया, उनकी मदद किया गया। अध्यक्ष जी, पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है, और आप वाराणसी के सांसद पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी से क्या अपेक्षा करते हैं? हम अपने प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उनसे उनको अपने अपने घर पहुंचाने का काम करें, क्योंकि उनके घर की जो स्थिति है वो हम लोग से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे यहाँ 40 से 45 मजदूर काम करते थे और वो खाना तो हम लोग बहुत अच्छा अच्छा दे देते थे, लेकिन उनकी जो सोच है वो पूरी नहीं कर पाते थे। डेली फ़ोन आता था उन लोगों के घर से और रोते थे गाते थे, लेकिन फिर भी उनको यकीन था कि हम लोग ऐसी जगह है कि हमको अच्छे से अच्छा मिला, लेकिन खाना सब कुछ नहीं होता है, कुछ प्यार मोहब्बत भी घर की होती है। तो हम योगी जी और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ से जहाँ तक उनको हिंदुस्तान के लोग हैं अपने अपने घर पहुँचा। ये बनारस एक छोटा अपने संगठित गलियों का शहर है, खासकर हम दाल मंडी की बात करें, चौक की बात करें, रसम कटरा की बात करें, यहाँ रियल इस्टेट कारोबार, आप जैसे कारोबार करने वाले लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी संभावनाएं बिल्डर्स को भी नज़र आती हैं और जो मकान मालिक होते हैं उनको भी नज़र आती है। इस लॉकडाउन के बाद यह व्यापार कहाँ आपको नज़र आ रहा है, इसका भविष्य क्या नज़र आ रहा है? जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये हमारे क्षेत्र का सबसे नामी इलाका है और यहाँ पे जो भी कानमे की काम चलता है अच्छे से अच्छा चलता है, लेकिन अभी इस हालात में ना तो कोई काम हो पा रहा है और ना ही कोई काम हो पाएगा। आगे कोई स्थिति नहीं दिख रही है कि हम लोग साल दो साल तक कोई काम कर पाएंगे। सबसे पहले चीज़, जो गरीब तबके के लोग हैं वो चाहते हैं कि पहले हमारे पास पैसा हो तो हम अपने घर में राशन लें, अपने बच्चों और अपने परिवार में खुश रहें, तो अब वो कहाँ से कहने में कि कोई काम एक्स्ट्रा करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो यहाँ पे दुकान खुल रही है, एक दिन कुछ खुल रही है, एक दिन कुछ खुल रही है, कुछ लोगों के ऐसा है कि वो बोनी तक नहीं कर रहे हैं तो उनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा तो वो कहाँ से कोई नई चीज़ खरीदेंगे। तो हम लोगों के लिए जो काम हम लोगों का है वो बहुत पीछे चला गया है। ये आप जब एक बिल्डिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं तो आप लोगों को विकास प्राधिकरण से अलग झेलना पड़ता है, थाने से अलग झेलना पड़ता है, लोकल पुलिस वाले अलग आपको परेशान करते हैं। जो दाल मंडी का इलाका, इस एरिया में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो भी चर्चाओं में हमेशा बने रहते हैं, ये कितना संकटकारी आपके लिए है? जहाँ तक बीडीए की बात है और थाने की बात है, थाना और बीडीए वो एक बात कहते हैं कि आप एक नंबर से काम करिए,
कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम लोग भी एक नंबर से काम करते हैं, किसी चीज़ की दिक्कत का सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम दो नंबर का काम करेंगे तो ऑलरेडी मुझे थाना परेशान करेगा, BDO परेशान करेगा, तो हम अपना काम एक नंबर से करेंगे तो हमें क्या परेशानी है। जो चीज़ हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो उसमें मुझे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़, आज आपने कहा कि कहने में कि जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान करते हैं, देखिए हिंदुस्तान में हर गलियां हर चौराहा ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग होते हैं, तो उसका संविधान क्या होता है? उसका यही होता है कि हम लोग प्यार और मोहब्बत से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हमारे यहाँ 10 लोग काम करते हैं उनका भी परिवार है, तो कोई आदमी ऐसी विवाद में नहीं फंसना चाहता है कि हम लोग खुद फंसे। राजनीति में आपकी मंजिल कहाँ तक है और वर्तमान में जो इस क्षेत्र के सभासद हैं उन्होंने कितना विकास किया, और खासकर इस विधानसभा में जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कितना विकास किया, आप क्या करने चाह रहे हैं इस राजनीति में? दरअसल हमारा वार्ड 65 है और 65 वार्ड के यहाँ के कांग्रेस के सभासद हैं सलीम। तो आप अभी यहाँ से उतरेंगे तो अभी हम आपको विकास दिखाएंगे कि कितना विकास हुआ है। सपा की सरकार में यहाँ पे सभासद थे विक्की खां, आप टहल के किसी से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना विकास किया। जहाँ तक विकास की बात है, विकास हम लोगों की भी तमन्ना है कि बहुत ज़्यादा हो, जो लोग का कहने में काम नहीं हो अच्छे से अच्छा हो। तो हमारी सोच है कि हम चुनाव लड़ें अच्छे से अच्छा, कहने में कि चुनाव जीतें, उन लोगों की मदद करें जो लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, इस इलाके में जो गंदगी मची हुई है, अभी हम आपको दिखाएंगे, आप चल के देख सकते हैं, जो मची हुई है उस गंदगी को हम साफ करना चाहते हैं, और ना ही हम कोई लालच है हमको चुनाव जीतने की और ना ही हमको लालच है पैसे की। आपकी दुआ से हमारा जो काम है हम अच्छे से अच्छा खाते हैं कमाते हैं, उसी में कहने में कि हम सबको खुश रखते हैं। हमारी एक सोच है, हमारी एक तमन्ना है कि हम सभासद हों और इलाके का विकास करें, और विकास नहीं, ऊपर वाला चाहेगा तो हमें कम से कम 25 साल तक सभासद रहना पड़ेगा। बनारस के अंदर जो बदलाव है आप जान ही रहे हैं कि कहां से कहां तक दिख रहा है। दूसरी चीज़, आप हमारी दलबंडी में कोई बदलाव नहीं है, कोई भी भाजपा का नेता दलबंडी के अंदर नहीं आता। विधायक तो बहुत से हैं, इसके पहले भी कहने में दादा थे, अभी नीलकंठ भैया हैं, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारा पुराना रिश्ता भी है उनसे। तो अभी तक कोई दलबंडी में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो हम लोगों को दिखे कि सरकार ने कुछ कराया है। लाइट का विकास हुआ है, लाइट जो दिख रही है, रोज कम से कम 100-200 लोग आते जाते हैं, लेडीज बच्चे सब, स्कूल का रास्ता है, स्कूल है, मस्जिद है, ठीक बुरी दशा है, लेडीज गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, कंडीशन पिछले 4 महीने से ऐसी है। अगर हम कहाँ पे इस समय खड़े हो और इसकी हालत इतनी बुरी क्यों है? ये मध्यम अस्पताल की गली है, यहाँ पे कहना है कि रोज डेली 200-250 लोग आते जाते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग परेशान हैं सबसे कह के, लेकिन कोई यहाँ पे निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ के सभासद कौन है? यहाँ के सभासद है सलीम, बहुत ही कंडीशन खराब है, हम आपको दिखा दें, बच्चे गिरते रहते हैं यहाँ से, यहाँ पर पूरा ख्याल हो क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।